आवाज नहीं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, जो इस फाइल में हमारे क्वेश्चन हैं वो है सेंटर ऑफ मास के, है ना, सेंटर ऑफ मास के। जो दूसरी फाइल है उसमें आपके क्वेश्चन हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो पहले हम सेंटर ऑफ मास को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे, ठीक है जी। देखते रहिएगा थोड़ा ध्यान से। हाँ जी, अभिषेक सीधे ऊपर बैठे आगे। तो टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 ग्राम एंड सॉरी 200 ग्राम एंड 500 ग्राम पोजेसेस वेलोसिटी 10 i कैप मीटर पर सेकेंड एंड 3 i कैप प्लस 5 j कैप मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, द वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास इन मीटर पर सेकेंड इज। बताइए कैसे किया जाए। हाँ जी, सबसे पहले आपके सेंटर ऑफ मास के लिए जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आर वेक्टर सी एम इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये है अगर पोजीशन निकालनी हो। अगर ऐसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी हो देन भी सेम ही फॉर्मूला है, और एक्सेलरेशन के लिए सेम फॉर्मूला है। तो वो आ जाएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। करिए, शाबाश लगाइए। अच्छा, मास को केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे भी मास है ऊपर भी मास है, कॉमन लेके कट जाएगा, ठीक है जी। करिए शाबाश। तो वी सी एम वेक्टर इज इक्वल टू मास कितना है 200 इंटू उसकी स्पीड कितनी है 10 i कैप, ऐसे ही प्लस सेकेंड मास कितना है वो है 500 और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 3 i कैप प्लस 5 j कैप डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 200 प्लस 500। करिए जरा सॉल्व, सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आया। हाँ जी, ये आ जाएगा वी सी एम वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2000, 2000 i कैप प्लस 1500 i कैप प्लस ये आएगा 2500 j कैप डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 700 टोटल का। हाँ जी, वी सी एम वेक्टर इज इक्वल टू 100 कॉमन लेके काट दो, है ना, तो क्या बच जाएगा ये 1500 और 2000 ऐड करके कितना बनेगा 3500। तो वो आ जाएगा 5 i कैप, है ना, 5 i कैप प्लस यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे आएगा 25/7 j कैप। क्लैरिटी? हाँ जी, सूर्यांश, शिवांश, संचिता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो शान शान क्वेश्चन है, कर दूं आगे, ठीक है चलिए। अगला क्वेश्चन है टू स्फीयर्स टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास m एंड 5 n एंड रेडियाई r एंड 2 r रिस्पेक्टिवली आर रिलीज्ड इन फ्री स्पेस विद इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर इक्वल्स टू 12 r। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी जस्ट बिफोर कोलिजन इज। तो इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले देखिए आपके पास दो स्फीयर हैं, ये पहला स्फीयर है, ठीक है जी, ये है दूसरा स्फीयर। अब जो संजीता, पहले स्फीयर का रेडियस कितना है आर, दूसरे का रेडियस कितना है 2 r, और इन दोनों के सेंटर के बीच का गैप कितना है सूर्यांश, कितना है, कितना है, दैट इज 12 टाइम्स r। अब अगर मैं बोलूं यहां से r सब्ट्रैक्ट कर दो, यहां से r सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो सरफेस के बीच का डिफरेंस है वो कितना है, देखो r यहां से गया 12 में से और 2 r यहां से गया, तो ये यहां कितना रह गया, दैट इज 9 टाइम्स r। अब मान लो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और हमने ये माना कि ये पहली स्फीयर से एक्स डिस्टेंस पे टकरा रहे हैं, मतलब यहां मान लो यहां पे आके अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स। क्लैरिटी? अगर तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो एक बात का ये ध्यान रखेंगे कि इनका सेंटर ऑफ मास नहीं हिलता, मेरी बात समझ पा रहे हैं, इसके बीच का डिस्टेंस 9x और 9 r, मैं एक्स नहीं कह रहा, 9 r लिखूंगा, जरा मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखता, तो 12 r क्या रेडियस है? हाँ जी, 12 r 12 r रेडियस है, टोटल सेपरेशन क्या है, मैं इसे अच्छे से लिखूंगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 9 r माइनस x। अब आपने करना क्या है, बस कि पहला मास और उसका डिस्टेंस इज इक्वल टू दूसरा मास और उसका डिस्टेंस, ये करना है। फॉर्मूला है, दैट इज लिखिए आपके पास m, पहला
पहले का मास m इंटू एक्स जहां पे कोलिजन हुआ इज इक्वल टू दूसरे का मास 2 टाइम्स m, और दूसरा डिस्टेंस कितना है? हाँ जी, हाँ जी, 9r - x। ठीक, बोलो यहां तो क्लैरिटी। हाँ जी, x फाइंड कर लो यहां पे, ये सॉरी 5 टाइम्स m है, ये मैंने ये भी गलत देखी, 5 टाइम्स m, x निकालना है आपने, तो ये आ जाएगा mx, m काट दो जाए, m तो कट गया, तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू, हाँ जी, 9r - x, ये आ जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 9r, हाँ जी, सॉरी 45 times r - 5x, और यह आ जाएगा 6x = 45 times r, x = 45/6 × r, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, 7.5 times r, तो आपका ऑप्शन है डी। ठीक है जी, नेक्स्ट संचिता हो गया, कर लिया सभी ने? यस सर, कर लेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा, शाबाश। हाँ जी, ये भी बड़ा आसान है, आप कर लेंगे, ये मैं होमवर्क दे दूं आपको। अ 2 kg body एंड 3 kg body आर मूविंग अलोंग x एक्सिस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, द 2 kg body हैज अ वेलोसिटी ऑफ 3 m/s एंड 3 kg body हैज अ वेलोसिटी ऑफ 2 m/s, देन वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, बताओ फटाफट बताओ, कुछ नहीं है, जैसे आप पोजीशन का फॉर्मूला लिखते हैं ना, वेलोसिटी का भी सेम फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू m1 v1 vector + m2 v2 vector / m1 + m2, ये भी हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये पढ़िए, द डिस्टेंस बिटवीन द कार्बन एटम एंड द ऑक्सीजन एटम इन अ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल इज 1.1 एमस्ट्रॉन्ग, गिवन मास ऑफ कार्बन एटम इज 12 amu एंड मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 amu, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। केमिस्ट्री नहीं है ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन लिया गया है, कुछ नहीं करना। जैसे मान लो अभिषेक बेटा, ये है ओरिजिन है ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0, और ये एक्स एक्सिस पे है ना, द डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एटम, इसको ना एक एक्सिस पे मान लो, तो जैसे मान लो सेंटर पे आपका कार्बन पड़ा है और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन पड़ा है, तो कितनी दूरी पे है ये, कितनी दूरी पे है, दोनों के बीच का गैप कितना है, 1.1 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.1, 0, बोलो ठीक, हाँ जी, कोई दिक्कत परेशानी, जो कार्बन है उसका आपका मास कितना है कार्बन का, दैट इज 12, और इसका मास कितना है आपका 16, तो संचिता आपके पास जो पहला जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर 0, 0 हो गया, दूसरे का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, 1.1 i cap + 0 j cap, तो r1 वेक्टर हो गया आपका 0 i cap + 0 j cap, ऐसे ही r2 वेक्टर हो गया आपका 1.1 i cap + या आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, तो m1 x1 + m2 x2 / m+n, करिए जरा करके बताइए कितना आंसर है, समझ आया संचिता, नहीं समझ आया बेटा, देख पहला जो पार्टिकल है वो जीरो पे है, तो x1 0 आ गया, दूसरा पार्टिकल कहां पे है, यहां पे है ना, दूसरा मतलब ऑक्सीजन कहां पे है, x = 1.1 पे, तो x2 कितना आ गया, 1.1 एमस्ट्रॉन्ग, बोलो ठीक। अब जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन रहेगा वो रहेगा m1 x1 + m2 x2 / m1 + m2, तो आ जाएगा xcm = पहले का मास 12 है बट उसका जो पोजीशन है वो ओरिजिन पे, प्लस दूसरे का मास कितना है 16 और उसका 1.1 है, डिवाइडेड बाय दोनों का मास का सम 12 + 16, कर दो जरा सॉल्व, बिल्कुल एक को ओरिजिन पे रखा है, हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप, आंसर क्या आया, आंसर है टी आया सर, आंसर
सी 0.63। बताओ ना ये कितना आया, एक्स सी एम इज इक्वल टू 16 को 1.1 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा सुरेश? नीचे कितना बना 28, ऊपर है 16 इंटू 1.1। ये आ गया ना, दैट इज 0.63 एमस्ट्रॉन्ग फ्रॉम कार्बोनेट। ठीक है संजीत, अगला क्वेश्चन देखिए। XCM सर, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। नेक्स्ट देखिए, कर दो आगे कर दो। हाँ जी सूर्यांश कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए जरा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। लुक एट द ड्रॉइंग गिवन इन द फिगर विच हैज बीन ड्रॉन विद इंक ऑफ यूनिफॉर्म लाइन थिकनेस। The mass of ink used to draw each of two inner circles and each of two line segment is m. मतलब कि ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये जो आपका नाक बना हुआ है, ये जो लिप्स बने हुए हैं, इन सभी का मास क्या है? सेम, कितना? m। ठीक है जी, सभी का मास m है। और the mass of, sorry, ये आ गया यहां तक, the mass of ink used to draw the outer circle, ये जो बाहर वाला सर्कल है, टोटल मास कितना लगा? दैट इज 6 times m। The coordinate of center of mass of different parts of outer circle. तो जो ये जो outer circle है, इसका center of mass 0.0 पे है, मतलब यहाँ पे कहीं। ऐसे ही left circle का जो center of mass है, जैसे ये left circle है, ठीक है? इसके coordinates कितने मानेंगे? -a.0। हमारे according left। इनके according left है। नहीं, अगर ऐसे बनाएंगे ना, देखो ये y axis दे तो रखा देख, ये दे तो रखा, बनाओ जरा करके देखो, शाबाश करके देखो, सभी के पॉइंट लगाओ। हाँ जी, ये कितना अभिषेक, लेफ्ट सर्कल का कितना है? तो जो लेफ्ट सर्कल के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? सर्कल वन के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? -a, हाँ जी, आई कैप प्लस 0j कैप। संचिता ठीक है, ऐसे ही राइट सर्कल के लिए दिया उन्होंने आउटर, हाँ जी, आउटर सर्कल का 0.0 पे, ये जो बाहर वाला है लेफ्ट इनर सर्कल का है -a.0, राइट इनर सर्कल का a.a। तो C2 का क्या आ जाएगा? ai कैप प्लस aj कैप। ऐसे ही वर्टिकल लाइन का 0.0 है, हॉरिजॉन्टल लाइन का, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, इसका लाइन सेकंड लिख लो, लाइन सेकंड का कितना आ जाएगा? 0i कैप माइनस aj कैप। The y coordinate of center of mass of ink in this drawing is, y coordinate निकालना आपने, तो आपके पास total drawing का center of mass हम निकालेंगे, that is xc, x नहीं लिखेंगे, उसे rcm लिखेंगे। हाँ जी सूर्यांश, कैसे लिखेंगे? rcm vector is equal to सभी का mass, देखो पहले पहला circle, इसका mass m है, mc1 प्लस ऐसे ही MC2 प्लस L के लिए 0.0, तो L1 लिखना मैं जरूरी नहीं समझता, ये समझते हैं ना आप लोग? जो L1 है उसका 0.0 है, L2 का कितना है, समझ आ रहा है? तो L2 और उसका मास कितना, वो भी M, सभी का मास M है, इसका 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 और इसका, और बाहर वाले का कितना है सेंटर ऑफ मास, वो भी 0.0 है, तो वो लिखेंगे 6 times m into 0 डिवाइडेड बाय सभी के मास को ऐड कर दो, m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस 6m। ठीक है संचिता, ऐड करो जरा, निकालो कितना है, y कोऑर्डिनेट बताना आपने निकाल के। नहीं समझ आया शिवांश? हाँ जी करो शाबाश। करिए शाबाश जल्दी, कोई आया ही नहीं। नाइन्थ क्वेश्चन लिखे होमवर्क।
लिख लो, मैं क्वेश्चन भी लिखवा रहा हूँ संचिता, 7th, 8th, 9th होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 होमवर्क है ये, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इसके बाद, हो जाएगा ये? नहीं होगा ये? नहीं हो रहा? देखो ये रब कर दो, थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए लिखने के लिए, है? हाँ जी प्रयास कर दो, मैं लिख रहा हूँ अभी इस पे लिख रहा हूँ, थोड़ा इसको रब करके अच्छे से लिखता हूँ ना, फिर आपको सिचुएशन समझ आ जाएगी, और देखते रहना पहले। हाँ जी, सबसे पहले लिखेंगे, देखो आर सी एम वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले लेफ्ट सर्कल ले लो, है ना, लेफ्ट सर्कल का मास एम और इसके वेक्टर बताइए क्या आएंगे, माइनस ए आई कैप प्लस 0 j कैप, है ना, ये आएगा, प्लस राइट सर्कल का एम इंटू ए आई कैप प्लस ए जे कैप, बोलो कोई दिक्कत, है ना, प्लस ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के लिए क्या है, 0, 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या है, 0, -a। हाँ जी आंसर ए नहीं है सर, ए तो ऑप्शन नहीं, ए एम इंटू, हाँ जी क्या आ जाएगा, हाँ ए अपॉन टेन होगा, हाँ तो ए अपॉन टेन होगा, ए तो आंसर नहीं होगा, ए के टर्म्स में रिजल्ट जरूर होगा, ए आई कैप माइनस ए जे कैप, ठीक है जी, ये वर्टिकल लाइन के लिए लिखा मैंने, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए लिखा, और बाहर वाला सर्कल उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, वो भी 0, 0 में, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय कितने मासेस से डिवाइड करना है संचिता, 1, 2, 3, 4 और कंबाइंड का सर्कल का 6 है, तो आर सी एम इज इक्वल टू, देखिए जरा एम कॉमन लेके काट दो, कॉमन लेके काट दिया, ऊपर ये माइनस ए आई कैप माइनस ये ए आई कैप कट जाएगा संचिता, ठीक है जी, और क्या कटेगा बताओ, बोलो एक मिनट, एक रहेगा रहेगा एक मिनट, चार है इसमें, मैंने 3 ही लिखे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, आउटर सर्कल का हो गया, इनर सर्कल का, हॉरिजॉन्टल लाइन का लिखा है M, ये नीचे लिखा तो है, कहाँ पे ये इधर, ये अरे नेगेटिव भी होता है एक्स एक्सिस इस तरफ, तो वाई एक्सिस पर तो होना चाहिए कुछ, अरे भाई वो यहाँ वो अलग बात है, इन्होंने अपने हिसाब से गलत दिया, बट है तो लेफ्ट की तरफ ही, एक्स तो नेगेटिव ही रहेगा, अरे वो यहाँ होना चाहिए, मैंने मतलब हमारी फिगर के मुताबिक यहाँ होना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहे हैं ना, 0 नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, उन्होंने दिया है राइट के लिए 1, a दे दिया, वर्टिकल लाइन के लिए 0, दिया 0 है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए 0, -a आना तो चाहिए यार, इससे आपने सर क्या जोड़ा क्या घटाया ज्यादा, तो बचा तो कुछ भी नहीं, फिर चेक कर, अरे इसमें है अच्छा एक गड़बड़ है शायद, फिर ये है ना जो ये वाला लेफ्ट इनर सर्कल है ना, जो लेफ्ट के इन्होंने कोऑर्डिनेट्स ये गलत लिखे हैं सॉल्यूशन के मुताबिक, यहाँ पे a, a माइनस a आएगा, जो आप कह रहे थे ये वाला जो पॉइंट है ना, क्योंकि अगर आंसर चाहिए तो इसको माइनस a ही मानना पड़ेगा, लिखिए शाबाश, इसको सही कर लो, जो आपका लेफ्ट इनर सर्कल है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस a, ये गड़बड़ है, अगर ये होगा देन होगी बात बन गई, ठीक है क्लैरिटी, चलिए हो जाएगा इसके मुताबिक हो जाएगा, वैसे तो कुछ ही नहीं बचा, वैसे तो 0 बच रहा है फिर, संचिता समझ आया, ओके किसका, सूर्यांश का, अरे पहले 0 ही आया था, फिर ये बताओ, देखो देखो क्वेश्चन देखो,
four particles of masses m, 2m, 3m and 4m are arranged at corners of parallelogram with each side equal to a, and one of the angle between two adjacent sides is 60 degree. The parallelogram lies in xy plane with mass m at origin and 4m on x-axis. The center of mass of arrangement will be located at. तो पहले तो आपको अरेंजमेंट बनानी पड़ेगी, पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, ये है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है संचिता? दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. अब ना जैसे ओरिजिन पे कौन सा मास बोला है उन्होंने, ओरिजिन पे है द हाँ एक्स वाई प्लेन विद मास एम एट ओरिजिन, तो यहाँ पे कौन सा मास है बच्चों, एम, ठीक है, एंड फोर एम ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे आपका फोर एम है. और जो पैरेललोग्राम है उसकी जो साइड है वो कितनी है, कितनी है ए, ठीक है जी. अब ये साइड और जो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री. यहां पे होगा मास 2m और ऐसे ही इसको आगे बढ़ा दो यहां पे और इसको ज्वाइन करा दो, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 3m. बोलो ठीक. अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, है ना, रोम्बस है ये, जैसे रोम्बस है पैरेललोग्राम, एक तरह का रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम है. मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि अगर मैं 2m के कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो क्या आएंगे कोऑर्डिनेट्स, जैसे r1 तो आपका 0 आ गया, 0 i कैप प्लस 0 j कैप, ठीक है सूर्यांश, क्योंकि उसको सेंटर में मान लिया हमने. ये जो 2m है इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये बताइए मुझे, ये होगा ऊपर y एक्सिस का डिस्टेंस, ये होगा ना, बोलो होगा कि नहीं, और ये होगा x एक्सिस का डिस्टेंस, क्लैरिटी. अब अगर आप देखें, ये है आपके पास डायगोनल, सॉरी ये है आपके पास हाइपोटेन्यूज ए, तो ये वाली साइड क्या होगी, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, दिस विल बी ए साइन थीटा, बोलो ठीक, और ये क्या होगा, ए कॉस थीटा. जैसे अगर आपको याद हो कि अगर ये फोर्स है, फोर्स का ये वाला कॉम्पोनेंट कौन सा है, एफ कॉस थीटा, ऐसे ही ऊपर वाला कॉम्पोनेंट कौन सा है, एफ साइन थीटा. तो अगर ये साइड ए है तो ऊपर वाला कॉम्पोनेंट आपका ए साइन थीटा हो जाएगा और वर्टिकल कॉम्पोनेंट, सॉरी होरिजोनटल कॉम्पोनेंट ए कॉस ऑफ थीटा, थीटा 60 डिग्री है. तो अगर आप देखें जो आपके पास सेकेंड मास का आर टू आ जाएगा, आर टू वैक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, कॉस 60 लिखेंगे, कॉस 60 आई कैप प्लस ए साइन 60 जे कैप, समझ आ रहा है? यस सर. ऐसे ही आर थ्री बताइए जरा. अब आर थ्री पे कैसे पहुंचेंगे, ये वाले, यही वाले, संचिता आप बताओ. आर देखो पहले यहां से यहां आ जाओ, कितना चले आप, ए, फिर यहां से थोड़ा यहां चलो और इसे ऐसे ज्वाइन करा दो, तो ये ए है, ये भी क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, और यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा. तो संचिता आपका जो ओरिजिन से लेके यहां तक की टोटल दूरी कितनी होगी, ए प्लस ए कॉस थीटा, तो जो आपका आर थ्री आ जाएगा वो आएगा ए प्लस, समझ आ रहा है, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ऊपर की तरफ सेम ही है वो आ जाएगा ए साइन 60 डिग्री, यहां पे भी माफी चाहता हूं, यहां 60 डिग्री कर लेना जे कैप. और आर फोर बताओ, ये तो एक्स एक्सिस पे है और कितनी दूर है ओरिजिन से, ए, तो ये आ जाएगा ए आई कैप प्लस 0 जे कैप, निकाल लोगे, निकल जाएगा ना, लिख लो जरा, शाबाश, फटाफट लिख लो. सेवन एट नाइन मैंने आपको होमवर्क दिया है. हाँ जी बच्चों ठीक है, यहाँ तक संचिता, ऋषभ, सूर्यांश, बच्चों, अभिषेक, ज्यादा मुश्किल नहीं आते, थोड़ा ध्यान से करना काम, हो जाता है, ये लिख लो बस, इससे आगे आप सॉल्व करके लाओ, समझ आ गई ना चीज, निकालना कैसे.
चले चले आगे, दो लिख लो फटाफट, आप इधर हो जाओ थोड़ा, मैं सबसे आगे बैठा हूँ, क्या दिक्कत परेशानी, मुझसे किस बात का डर है? नहीं अच्छा एक मान लो बात, जैसे अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में आपसी ग्रेविटेशनल फोर्स है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पे फर्क पड़ता है? अगर अगर मान लो दो दो बॉडीज हैं और वो अपने एक दूसरे को खींच रही हैं, और इंटरनल फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो उसकी पोजीशन पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क, सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर रहेगा, याद रखिएगा ये, वो चेंज नहीं होता। अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी नहीं होगी देन उसकी एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। तो 7, 8, 9 मैंने आपको होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चलो आगे। हाँ जी पढ़िए। टू स्फीयर्स ऑफ मासेस 2m and m आर इनिशियली एट रेस्ट एट ए डिस्टेंस आर अपार्ट ड्यू टू म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे अप्रोच ईच अदर व्हेन दे आर एट सेपरेशन आर बाय टू, द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर वुड बी, क्या है, क्या आएगा? जीरो। म्यूचुअल है, वही वाली बात रहा हाँ अभी बिल्कुल, म्यूचुअल अट्रैक्शन है ये, इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है आपकी, म्यूचुअल फोर्स है तो। ना, तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो, याद रखिएगा। अगर बाहरी फोर्स ना हो सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट। हाँ जी ये बताइए, ये है मजेदार, पढ़िए जरा। अ थिन रॉड, अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज स्विमिंग स्विंग सॉरी स्विंगिंग स्विमिंग नहीं स्विंगिंग फ्रीली अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड एंड इट्स मैक्सिमम एंगुलर स्पीड इज ओमेगा, इट्स सेंटर ऑफ मास राइजेस टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ, तो सेंटर ऑफ मास आपका कहाँ तक मैक्सिमम राइज कर रहा है वो आपने बताना है। थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मान लो ये आपकी क्या है रॉड, ठीक है जी, अच्छा हाँ जी अभिषेक, ठीक है, ये ऐसे स्विंग करेगी ऐसे, क्लैरिटी। अब घूमते हुए आपको पता है एक एनर्जी लगती है, कौन सी एनर्जी है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला बताना, रोटेशनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ऋषभ? हाफ, देखो मुझे सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता दो, हाफ एमवी स्क्वायर, रोटेशन में एम की जगह पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वी की जगह पे ओमेगा स्क्वायर, क्लैरिटी। अब जैसे मैं अभी पूछता हूं अभिषेक, यही रॉड यहां से जाके यहां पहुंचेगी ना, तो ऐसे फ्लैट हो जाएगी, बोलो हो जाएगी ना, हो जाएगी ना, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वही किसमें कन्वर्ट होती है? अच्छा काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां जाके जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, मान लो वो एच हाइट तक जा रहा है आपका, एच हाइट है जहां तक आपकी रॉड जा रही है, तो वो आ जाएगा एम जी एच इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब मेन बात ये है कि आप ओमेगा को क्या पुट करेंगे, सॉरी आई को क्या पुट करेंगे? हाँ मैं थोड़ा सा आपको यही याद करा देता हूं, जैसे सूर्यांश ये बेटा रॉड है ना, अगर रॉड को एंड से पकड़ के इसके अराउंड घुमाएं ऐसे, तो जो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक्सिस आपका परपेंडिकुलर हो रोड के साइड में, ये होता है एम एल स्क्वायर बाय 3, याद रखिएगा। अगर वही रोड को हम संचिता सेंटर से एक एक्सिस पास करें और इसके अराउंड रोटेट करवाएं, देन इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकल के आता है एम एल स्क्वायर बाय 12, याद रखिएगा, बोलो ठीक। अब मान लो जो आपकी रॉड है उसकी लेंथ है एल, तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आएगा ऋषभ, बताओ जरा, यहां पे कहां से घुमा रहे हैं रॉड को? एंड से घुमा रहे हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा? एम जी एच इज इक्वल टू हाफ आई की जगह पे, हाँ जी, एम एल स्क्वायर बाय
थ्री इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहां से निकाल दो शाबाश, क्या निकालना है, हाइट निकालनी है ना, तो एच निकाल दो, एच इज इक्वल टू, हाँ जी आ जाएगा एम, एम से एम काट दो ना, एम से एम कट गया, क्या आ जाएगा एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय सिक्स जी, एच भी है, एच ही तो निकालना, ठीक हाँ जी, कौन सा आंसर आया सर, डी लिखिए शाबाश, हाँ बोलो पूछना कुछ, बीच में से घुमा रहे हैं, बीच में से कैसे घुमा रहे हैं, वो एरो ऐसे घुमा रहे हैं, अरे यार वो लग गया एरो यहाँ पे, ऐसे घूम रही है वो, ऐसे दोनों तरफ घूमेगी फिर ऐसे आ जाएगी, समझ पा रहा है, ऐसे ऐसे यार, ठीक है, एंड से घूम रही है वो, एक्सिस आपका एंड पे आई है, एक्सिस इसके अराउंड ऐसे घूमेगा, अगर ऐसे होता ऐसे देन होता है एम एल स्क्वायर बाई स्क्वायर, क्लैरिटी, ठीक है जी, क्वेश्चन 12 कर लिया ही? जल्दी करो, हाँ जी हो गया, हो गया, चले अगला क्वेश्चन देखिए, बताओ बताओ फटाफट, शाबाश, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, सुन लो भाई सुन लो, क्या हुआ, consider a system of two particles having masses m1 and m2, if the particle of mass m1, kya likha hai, m1 is pushed toward the center of mass of particles through a distance d, by what distance would be particle of mass m2 move so as to keep the center of mass of particle at the original position, to dekhiye zara, maan lijiye ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, हाँ जी ठीक है, आपका ये है मास पहला m1 और यहां पे कहीं है दूसरा मास m2, क्लैरिटी, तो इन दोनों के बीच में उन्होंने डिस्टेंस कितना है कंसीडर, डिस्टेंस दे रखा है कुछ, आप कुछ भी ले सकते हो, देखते हैं इन्होंने क्या लिया है, हाँ अब अगर मैं बोलूं कि जैसे नहीं ओरिजिन पे नहीं ले, थोड़ा सा ना एक मिनट हो, सुरेश यहां पे है ओरिजिन, ठीक है, और यहां पे है आपका M2 और यहां पे है आपका M1, तो अगर आप मान लीजिए पहले पहली पोजीशन में जो आपका m1 है वो x1 डिस्टेंस दूरी पे है, ठीक है जी, ऐसे ही जो दूसरा आपका मास है वो कितनी दूरी पे है x2 पे, तो पहली सिचुएशन में आपके सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या बनना था, बोलो बताओ, सिंपली अभी कुछ नहीं करा हमने, एक का x1 है दूसरे का x2 है, तो जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है वो बनना था एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, ठीक है जी, अब सुरेश उन्होंने करा क्या, उन्होंने कहा कि मान लीजिए एम वन को आपने कुछ डिस्टेंस डी डिस्प्लेस कर दिया और वो चाहते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है बीच में जो था वो वहीं रहे, वो हिले हिले ना, तो उसके चक्कर में आपके दूसरे मास को भी हिलना पड़ेगा, ठीक है, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, मान लो उसने डिस्प्लेसमेंट करी डी प्राइम, तो नई सिचुएशन में जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो रहेगा एम वन इंटू पहले डिस्टेंस इसका एक्स वन था, इसको चलाया कितना डी,
प्लस ऐसे ही एम टू और इसका पहला डिस्टेंस था एक्स टू प्लस इसको कितना चलाया डी प्राइम डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। बताइए यहां तक क्लैरिटी? हाँ इनको कंपेयर कर देंगे क्योंकि हमने इक्वल रखना है। रखिए जरा इक्वल करो, इक्वल करके बताइए जरा डी इन टर्म्स ऑफ डी निकालो, डी प्राइम इन टर्म्स ऑफ डी, डी प्राइम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी निकाली, इनको बराबर रखिए। संचिता बराबर क्यों रखा बेटा, बराबर क्यों रख रहे हैं हम बोलो? मेरा क्वेश्चन ये है एक ही जगह पे रखना चाहते हैं हम चाहते हैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ना बदले। पढ़ो जरा क्वेश्चन ध्यान से। उन्होंने बोला बाय व्हाट डिस्टेंस वुड बी द पार्टिकल ऑफ मास एम टू, डी प्राइम निकालना है, मूव सो एज टू कीप द सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एट द ओरिजिनल पोजीशन। करी शाबाश, दिख रहा है ना आपको? अच्छा तो डी भी है। हाँ जी है। हाँ कोई बात नहीं, सही है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो M2 है that will move towards center of mass, not away. ठीक है, लिख लो यहाँ पे नेगेटिव साइन शोज दैट द M2 विल मूव towards सेंटर ऑफ मास नॉट अवे। ठीक है, पंद्रह से लेके 20 तक आपके लिए हैं सारे क्वेश्चन, वो काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन से हो जाएंगे। हमने करना है 13, 14, बस उसके बाद हम अगले उसमें करेंगे। ठीक है, दो और हैं, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन। क्लैरिटी बोलो? ठीक, हाँ जी सुरेश, नेक्स्ट कर दूँ, आगे कर दूँ? संचिता आ गया, हाँ पूरा कर लेना इसे। ठीक है, जगह छोड़ दो थोड़ी सी, थोड़ा घर के लिए भी काम, ये तो आपको आता हो। If linear density of road of length 3 meter varies as lambda is equal to lambda दे रखा है आपको that is 2 plus x है ना, then position of center of gravity of the rod, अब जो center of gravity का जो position होता है xcm, अगर मान लो linear density दे रखी हो then हम integrate करते हैं, तो याद होगा आपके पास formula होता है integration dm into x divided by integration of dm, याद है? पता है ना आपको, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी, देखो दो फॉर्मुले होते हैं सेंटर ऑफ मास के, सुरेश दो तीन फॉर्मुले, मैं तीनों फॉर्मुले बताता हूं। एक तो आप ये पढ़ते हो, ये होता है एक्स एम वन एक्स वन, ये लिखते हो ना, ये लिखते हो एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अप टू सो ऑन है ना, ऐसे डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। ठीक है जी, तो ये एक्ससीएम का इन जनरल फॉर्मुला क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं समीशन एम आई एक्स आई, लिख सकते हैं ना, जैसे आप स्टैट्स में लिख सकते थे डिवाइडेड बाय समीशन एम आई। अब ये जो समीशन हैं ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इंटीग्रेशन में, जब आपका वेरिएशन क्या हो बहुत छोटा। क्लैरिटी? तो यहाँ पे जब भी आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी हो तो आपने याद रखना है, आपने ये फॉर्मूला लगाना है। क्लैरिटी? यूनिट मास का वेरिएशन दे रखा है, करो जरा इंटीग्रेशन करनी है हमने, तो इसको मैं हटा दूं, ये लिख लो जरा, अगर लिखना है तो लिख लो वरना मैं हटा। हाँ जी संचिता, बेटा आपने इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करनी है, हमें कैसे पता चलेगा कितने कितने मीटर की है लेंथ, 3m है ना, लेंथ 3m है तो एक्स सी एम क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 3m dm। अच्छा अगर आपको याद हो है ना, डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिंपली आप पुट कर, एक मिनट, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, पता है होती है कि नहीं? नहीं, अरे यार तुम लोगों को पता ही नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय लेंथ, वॉल्यूम, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय एरिया, वॉल्यूम चार्ज नहीं बोलना चाहिए मुझे, लीनियर डेंसिटी बोलना चाहिए सिर्फ, मास डिवाइडेड बाय लेंथ लीनियर डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय एरिया सरफेस डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वॉल्यूम डेंसिटी, यहाँ पे क्या है लीनियर डेंसिटी, तो इसे हम लिख सकते हैं दैट इज डी एम इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स, यहाँ पे पुट कर दो तो ये आ जाएगा डी एम की जगह पे लैम्डा डी एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन जीरो से थ्री एम, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा
डीएम की जगह पे लैम्डा डी एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे इंटीग्रेट कर देता हूँ, क्या जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से थ्री एम। हाँ जी, लैम्डा की जगह पे वैल्यू क्या है आपके पास, टू प्लस एक्स इंटू एक्स एक बाहर, ये लैम्डा की जगह पे ये एक्स बाहर वाला, यहाँ पे डी एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन जीरो से थ्री एम, करिए ना इंटीग्रेशन, और यहाँ पे लैम्डा की जगह पे अगेन क्या आ जाएगा टू प्लस एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट करो ऊपर भी नीचे भी, यहां लिख रहा हूं इंटीग्रेशन जीरो से थ्री एम। हाँ जी, ये आ जाएगा एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा क्या आ जाएगा टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से थ्री एम। हाँ जी, टू प्लस एक्स डी एक्स। अब मैं पूछूंगा हिमांशु से, हिमांशु टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टू तो बाहर आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू विद इन द लिमिट्स जीरो से थ्री एम, ऐसे ही प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री विद इन द लिमिट जीरो से थ्री एम, पता है ना सूर्यांश, डिवाइडेड बाय बंदी ना हो जाएगी, डिवाइडेड बाय टू के साथ क्या आया यहां पे, कोई नहीं, अगर कुछ ना हो तो टू इंटू एक्स जीरो से थ्री एम सेंटर में प्लस, और एक्स का एक्स स्क्वायर बाय टू जीरो से थ्री एम। शिवांश करा ये, नहीं करा ना, टेंशन में है तो भी, हाँ ये वही है बस, सिंपल इंटीग्रेशन लगनी है। नहीं कर लोगे ना इतना संजीता, बाकी सॉल्यूशन भी है वहां से देख लेना, थोड़ा सी हेल्प लेना, आंसर आना चाहिए 12/7 एम। चले आगे, 14th क्वेश्चन भी होमवर्क लिख करके लाना, देखूंगा कैसे करते हो तुम लोग, नेक्स्ट क्लास में पूछ के रखूंगा कि हाँ 14th क्वेश्चन करा है, 14th क्वेश्चन भी, ठीक है जी। तो आपका जो होमवर्क हो गया, बताओ कौन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 14, 15 up to 20, ठीक है जी, ये आपके होमवर्क, चलें आगे चलते। तो थोड़ा सा मैं ये, हाँ जी क्या कह रहे, कहाँ दिखा रहा भाई, एक मैं ही, एक बजे किसमें रिकॉर्ड हो रही है नी स्क्रीन, यस क्वेश्चन अच्छा था हिमांशु, बाहर कैसे जाते हैं, चले आगे, नहीं नहीं अभी है और क्वेश्चंस तो हैं, तुम लोग जा कहाँ रहे हो, मुझे ये चलो कुछ चीजें पहले मैं आपको करा देता हूँ, वो याद रखिएगा ठीक है। थ्योरम होती है, एक होती है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, है ना, पैरेलल एक्सिस, और दूसरी थ्योरम होती है थ्योरम ऑफ
पर पेंडिकुलर एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलती है बताओ जरा। जैसे मान लो ये ना संचिता एक आर्बिटरी बॉडी है, आर्बिटरी बॉडी समझते हो, किसी भी शेप की कोई टेढ़ी मेढ़ी, मान लो यहां से सेंटर ऑफ मास पास कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट है आपका सेंटर ऑफ मास, और इससे इसके थ्रू हमने इसे लिख दिया आईसीएम, ठीक है जी, और ना एक और कोई अननोन एक्सिस ये हमने मान लिया, इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पॉइंट का, जैसे ये पॉइंट है ना, इसका मास मान लो एम है, जिस एक्सिस के अराउंड हमने निकालना है यहां से लेके यहां तक की इसकी दूरी है एच, क्या बोला मैंने एच। तो अगर हम बोलेंगे कि इस पॉइंट का ये जो एम पार्टिकल आपका एम पार्टिकल है ना, इसका जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक उसका स्क्वायर। मैं थोड़ा उल्टा बना गया, आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, जैसे ये आईसीएम आ गया, ठीक है, प्लस यहां पे आ जाएगा एम एच स्क्वायर। एक तो हमने ये देखना है कि वो एक्सिस से दूर कितना है उसको ऐड करना है, और उसी पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे सेंटर ऑफ मास के अराउंड उसमें ऐड करना है। मैं इसको समझाने के लिए एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो, जैसे सिंपली चीज है कि आपके पास ये एक्सिस है, ठीक है जी, ये एक्सिस है, और अगर आप देखें है ना, इसके ऊपर ना ये एक बॉल है, और इस बॉल के अंदर से ये एक्सिस पास कर रहा है, तो जो बॉल के अंदर से आपका एक्सिस पास करता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I is equal to 2/5 mr². पहले तो सिर्फ याद रखिए कि ये होता है, ये अगर उसका रेडियस है। अब संचिता मान लो यही बॉल ना यहां होने के बजाय यहां पे है बाहर, और यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस है 3r, क्या बोला मैंने 3r। तो एक तो जब आप इस एक्सिस के अराउंड निकालेंगे, एक तो पहले अब बॉल का सेंटर ऑफ मास मास के लिए निकालेंगे, क्या आएगा वो 2/5 mr², ये तो लिख दिया बॉल का। अब वो बॉल जो आपके एक्सिस जिससे आप निकालना चाहते हो उससे वो उससे कितनी दूर है 3r, तो वो आ जाएगा प्लस उसी बॉल का मास इंटू टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर। समझ आया कि नहीं, क्लैरिटी? एक तो बॉडी का मतलब सेंटर ऑफ मास के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस कितनी दूर है उसके डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू उसी बॉडी का मास, क्लैरिटी? चलो तो अलग अलग बॉडीज के लिए देखते हैं। अच्छा एक और चीज है आपने ये याद रखनी है कि जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है ये ऑल बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए, और ये परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो सिर्फ टू डायमेंशन के लिए एप्लीकेबल, ठीक है, टू डायमेंशन। अच्छा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बोलता है, जैसे मान लो आपके पास ये ना तीन एक्सिस है, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। तो मान लो ये जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्सिस के अराउंड वो है आई एक्स, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अराउंड है आई जेड, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अराउंड है वाई एक्स वाई। तो वो कहते हैं कि एक एक्सिस के अराउंड प्लस दूसरे एक्सिस के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट विल बी इक्वल टू तीसरे एक्सिस के अराउंड, मतलब कि आई एक्स प्लस आई वाई जो होगा दैट विल बी आई जेड। कंडीशन इज दैट ये जो आई जेड है वो दोनों पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, क्लैरिटी? हाँ जी, मैं इसको और अच्छे तरीके से फ्रेम करूं वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लो अभिषेक बेटा ये आपके पास ना एक प्लेट है, प्लेट है ना, तो इस तरफ है एक्स एक्सिस है ना, और इस तरफ है वाई एक्सिस, तो पहले एक्स के अराउंड निकालेंगे मान लो वो आई एक्स आ गया, ठीक है, फिर वाई के अराउंड निकालेंगे वो आ गया आई वाई, तो निकालना किसके अराउंड जाते हैं जेड के। तो हमें जेड के अराउंड निकालने के लिए अलग से नहीं कुछ करना, हमने क्या करना है सिंपली x के अराउंड प्लस y के अराउंड को ऐड कर देना, दैट विल बी z के अराउंड, सिंपली, ठीक है, आनी क्लैरिटी? चलिए अब थोड़ा ये दिस इज परपेंडिकुलर x। हाँ जी संचिता, ठीक है, फोटो ले लो, क्या हो गया
ले ली। चलिए अब लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट बॉडीज। सबसे पहले आती है रिंग। रिंग में भी दो वेरिएशन हैं। ये है रिंग। रिंग एक ऐसी चीज है जिसका सारा मास अराउंड सर्कमफ्रेंस पे है। अगर तो रिंग के परपेंडिकुलर निकालना है, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो वो होता है एम आर स्क्वायर। क्या बोला मैंने? एम आर स्क्वायर। अगर यही रिंग है मान लो ऐसे, और ना जो आपका एक्सिस है वो रिंग के पैरेलल है, मतलब ऐसे देख रहे हैं आप रिंग, सिक्का है ना, सिक्के के ऊपर बैठ लो और उसे ऐसे घुमाओ, एक तो सिक्के के साथ ऐसे है ना, सिक्के को ऐसे रोटेट करो जैसे टॉस होती है ना वैसे, तो जो इसका रहता है, याद रखना है कि जो आपके इसे परपेंडिकुलर है ना, इसका उससे आधा रहेगा, तो ये आ जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है जी। हाँ जी, अब ना एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लो यही सिक्का है, ठीक है, ये सिक्का है, इसके ना टेंजेंशियली यहां निकालना चाहते हैं आप साइड, तो सेंटर में कितना था? हाँ बिल्कुल, अगर आप देखिए सेंटर में कितना था संचिता, अभी सेंटर में निकाला कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर। आपको सेंटर से यहां तक कितना आना पड़ा बोलो, कितना चलना पड़ा? आर के बराबर, रेडियस के बराबर चलना पड़ा ना, प्लस जितना डिस्टेंस चलना पड़ा उसका स्क्वायर और उसी का मास, तो क्या आ गया 3/2 mr². ऐसे ही जैसे मान लो ये रिंग का सेंटर है, ठीक है जी, आप सेंटर से सूर्यांश यहां आना चाहते हो तो कितना चलना पड़ा? आर चलना पड़ा ना, तो क्या आ जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस कितना चलना पड़ा, आर स्क्वायर इंटू एम, कितना हो गया 2 mr². समझ आ गया? कौन सी एक्सिस लग रही है, कौन सी थ्योरम लग रही है? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। लिखिए शाबाश। सेकेंड है डिस्क। डिस्क डिस्क है आपकी सॉलिड अंदर से ऐसे, ठीक है जी, तो अगर इसके प्लेन के परपेंडिकुलरली हम निकालना चाहें तो ये आ जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर। कितना आएगा? ओ भाई इधर देखो, कितना आएगा? हाफ एम आर स्क्वायर, आधा रिंग से आधा होता है इसके। अच्छा, अगर यही डिस्क के मैं बीच में जाने की कोशिश करूं, मतलब ऐसे, तो ये हाफ एम आर स्क्वायर, इसका भी आधा कर दो, कितना हो जाएगा 1/4 mr². अब अगर मान लो यही डिस्क के साइड में चलना चाहूं, देन देखो जैसे यहाँ पे 1/2 था, कितना चलना पड़ा आर, तो आ जाएगा 1/2 mr² चलना कितना पड़ा आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एम, तो दिस इज 3/2 mr², और इसी कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं देन ये आ जाएगा 1/4 mr² कितना चलना पड़ा प्लस mr², ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 5/4 mr². बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, लिखते रहो, भूल जाओगे बाद में। देख रहे हो संजीता क्या हो गया बेटा, खा पी के नहीं आई कुछ? खा के आई? अच्छा हाँ जी, ठीक है बच्चों आगे चलो। ये यंत्र ने ना सारा काम खराब कर दिया, बच्चों को ना निकम्मा बना दिया। ठीक है, तीसरा है रॉड। रॉड अभी ना एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, जब तक रॉड का कोई रेडियस ना मानू, जिसको बोलते हैं थिकनेस बहुत कम है, तो उसमें रेडियस की कोई गेम नहीं, उसमें सारी की सारी गेम किसकी लेनी। ठीक है, रॉड वो चीज है, रॉड एक तरह का सिलेंडर ही होता है, बट सिलेंडर का रेडियस एज्यूम नहीं किया जा रहा। ठीक है जी, तो मान लो रॉड की लेंथ है एल, कैपिटल एल, तो अगर तो रॉड के किनारे से निकालना चाहते हैं कि किनारे पे बैठ के इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अराउंड आप रॉड घुमाना चाहते हैं, तो वो होता है आपके पास एम एल स्क्वायर बाय 3। और अगर इसी रॉड के सेंटर में बैठ के आप इसे रोटेट करना चाहते हैं यहां पे बैठ के, दैट विल बी एम एल स्क्वायर बाय 12। ठीक है, दोनों में यूज कौन होगा? लेंथ। और यहां पे एल आधी नहीं है, ये पूरी लेंथ है,
कितनी पूरी एल। क्लैरिटी बोलो ठीक लिखिए। थर्ड फोर्थ आ जाता है आपके पास सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर अलग है। सॉलिड स्फीयर में है अगर मान लो ये आपके पास सॉलिड स्फीयर है और आपके अच्छा इसमें ये नहीं होता कि आप इस तरफ से मतलब कि एक्सिस रखें, वाई एक्सिस रखें, जेड एक्सिस रखें, स्फीयर सिमेट्रिकल होती है, जिस मर्जी तरफ रख लो वहां पे परपेंडिकुलर और पैरेलल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो अगर आप देखें, अगर आप डायमीटर के तौर पे निकालें तो सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr² जी ना, वो अभी हाँ बिल्कुल बिल्कुल 7/5 आ जाएगा। अगर मैं इसी के किनारे पे चला जाऊं तो अभिषेक कितना आएगा, 2/5 mr² सूर्यांश कितना चलना पड़ा, r प्लस mr² दैट इज 7/5 mr². क्लैरिटी? हाँ जी संचिता आपका नाम क्या है बेटा जो पीछे बैठे हैं, तनीषा। हाँ जी हर कीरत का तो पता है, बड़ी जल्दी आए अच्छा एक दूसरे की बात नहीं सुनते जरा अभी मेरा बोला मैंने होलो सफियर खाली होलोस्फीयर, होलोस्फीयर है अंदर से खाली, शेल शेल कह सकते हो आप। इसके डायमीटर के अबाउट होता है 2/3 mr² और अगर मैं यही डायमीटर के एंड में चले जाऊं तो ये आ जाएगा 2/3 mr² प्लस mr². ये जो ऐड करने वाला mr² है हम कैसे लिख रहे हैं, हर फिर ये लिख रहे हैं कि आपको जहां पहले था वहां से कितना चलना पड़ रहा है, साइड तक कितना चले बोलो आर, बस उस उतने डिस्टेंस के स्क्वायर से ऐड कर देना है और मास को मल्टीप्लाई करना है। देख लो हर एक केस में वही है। क्लैरिटी? नेक्स्ट लिखिए, मैं एक मिनट निकाल लेता हूँ, और तो बहुत सारे हैं। हाँ जी ये रख बस के बहुत आज के लिए, चलो इतने याद कर लेना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।